दो दिन से लापता युवक का बीहर नदी में शव मिलने से मची सनसनी। सिटी कोतवाली पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। सिलाई का काम करता था मृतक। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व घर से निकले एक युवक का निपनिया पुल के पास से शव बरामद हुआ है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है तथा एसटीआरएफ की टीम की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दो दिन पूर्व घर से लापता हुए सुनील चौधरी निवासी नगदिया के रूप में इसकी पहचान हुई है। बताया गया कि ये युवक सिलाई का काम करता था। परसों की सुबह 10 बजे अचानक घर से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत परिजनों के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। कल शाम को ये निपनिया पुल के पास भी देखा गया था, जिसका शव आज बीहन नदी से बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुसाइड का कारण अभी अज्ञात है। क्या नाम आपका? जी पुरुषोत्तम चौधरी। जी भांजे हैं हमारे। भांजे? जी। ये कब गायब हुए थे? ये परसों रात में गायब हुए थे। कल कहीं देखे गए थे? ये परसों ही रात में देखे गए थे पुल के पास। हाँ, अलीपनिया के पुल के पास। आज सुबह कौन बताया कि यहाँ? अभी फोन आया कि एक बॉडी पड़ी है, तो हम लोग भागते चले आए। अब उसको वही कि कंफर्म हो जाए, देख ले, उनको समझ में आ जाए। अभी कैसे पहचान कर रहे हैं? अभी चड्ढा वो पहने थे, नीली टी शर्ट पहन के निकले हुए थे और ब्लैक चड्ढा। कपड़ा वही? हाँ, कपड़ा वही। कपड़ा की वजह से पहचान हो रही है। सुनील चौधरी। अरे, शादी हो गई? जी शादी हो गई है ना। एक लड़का भी है। कुछ घर में विवाद? कोई विवाद ववाद नहीं, कोई पंचायत नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये पन्नी लिए हैं और चले आए हैं। टेलर मास्टर थे, घर में सिलाई सब करते थे। रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइज।